हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। दी ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ इज इन डूइंग द वर्क डेट पीपल से यू कांट डू। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री क्लेम्ड टू मेक लाइट बेस्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन है रूस, जापान, नेपाल, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? विच बैंक हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 10 करोड़ टू द आर्म फोर्स प्ले डे फंड। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? विच बीजेपी लीडर हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड अपोज्ड टू द राज्यसभा। ऑप्शन है सचिन पायलट, कुमार विश्वास, सुशील मोदी, मनोज तिवारी। इसका राइट आंसर है सुशील मोदी। बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? विच इंडियन बॉर्न हेल्थ एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। ऑप्शन है अनिल सोनी, राहुल सचदेवा, अनिल मल्होत्रा, अनुपम स्वामी। इसका राइट आंसर है अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन है आगरा मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना। इसका राइट आंसर है
आगरा मेट्रो रेल परियोजना, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दो कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? Which of the following countries has become the second country in the world to host its national flag on the moon? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है चीन। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साल 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंड खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? विच कंट्रीज ऑलराउंडर कोरी एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? Recently, which state kiwi has been given an organic certificate? Option A, Punjab, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Jharkhand. Iska right answer hai Arunachal Pradesh. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है? Which of the following countries has recently declared climate emergency and promised to make its public sector carbon neutral by 2025? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखिर ग्रैंड प्री बहरीन फॉर्मूला टू रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian driver to win the Sakhir Grand Prix Bahrain Formula 2 race? Option A, Jehan Daruwala, Mick Schumacher, Daniel Tiktum, Lewis Hamilton. Iska right answer hai Jehan Daruwala. भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला को शाखिर ग्रैंड प्रिक्स
के दौरान इतिहास रच दिया। वह फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट टायर पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। यहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द टायर पार्क शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में किस देश ने 2019 में सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों में टॉप किया है? Which country topped the most terrorist affected countries in 2019 in the global terrorism index 2020? ऑप्शन है अफगानिस्तान, इजराइल, म्यांमार, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। 163 देशों में सबसे खराब आतंकी प्रभाव वाले देश के रूप में अफगानिस्तान सूचकांक में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? रिसेंटली वेस्ट कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू गिव फ्री कोरोना वैक्सीन टू ऑल द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री। ऑप्शन है चीन, रूस, फिनलैंड, जापान। इसका राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में COVID-19 टीकाकरण मुफ्त होगा और साल 2021 की शुरुआत में यह शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि फिनलैंड का लक्ष्य एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने की उम्मीद है? वो अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2021। ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, जो बिडेन, स्कॉट मॉरिसन, युशी हिदे सुगा। इसका राइट आंसर है बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2021 गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक रूप से आमंत्रित करने की उम्मीद है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।